ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी अध्याय 12 श्लोक संख्या 8। भगवान ने दूसरे श्लोक में सगुण उपासकों को श्रेष्ठ योगी बताया और छठे और सातवें श्लोक में यह बात कही कि ऐसे भक्तों का मैं शीघ्र उद्धार करता हूँ। इसलिए अब भगवान अर्जुन को ऐसा श्रेष्ठ योगी बनने के लिए पहले 8वें श्लोक में समर्पण योग रूप साधन का वर्णन करके फिर 9वें, 10वें और 11वें श्लोक में क्रमशः अभ्यास योग, भगवद अर्थ कर्म और सर्वकर्म फल त्याग रूप साधनों का वर्णन करते हैं। मयेव मन आदस्तव मयि बुद्धिम निवेशया निवसिष्यन्ति निवश्यस्य निवसिष्यसि मयेव अत ऊर्ध्वम न संशयः। तू मेरे में मन को लगा और मेरे में ही बुद्धि को लगा, इसके बाद तू मेरे में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। मयेव मन आदस्तव मयि बुद्धिम निवेशय। भगवान के मत में वे ही पुरुष उत्तम योगवेत्ता है जिनको भगवान के साथ अपने नित्य योग का अनुभव हो गया है। सभी साधकों को उत्तम योगवेत्ता बनाने के उद्देश्य से भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर यह आज्ञा देते हैं कि मुझ परमेश्वर को ही परम श्रेष्ठ और परम प्रापणीय मानकर बुद्धि को मेरे में लगा दे और मेरे को ही अपना परम प्रियतम मानकर मन को मेरे में लगा दे। भगवान में हमारी स्वतः सिद्ध स्थिति या नित्य योग है, परंतु भगवान में मन बुद्धि के न लगने के कारण हमें भगवान के साथ अपने स्वतः सिद्ध नित्य संबंध का अनुभव नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं कि मन बुद्धि को मेरे में लगा फिर तू मेरे में ही निवास करेगा जो पहले से ही है, अर्थात तुझे मेरे में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाएगा। मन बुद्धि लगाने का तात्पर्य यह है कि अब तक मनुष्य जिस मन से जड़ संसार में ममता, आसक्ति, सुख भोग की इच्छा, आशा आदि के कारण बार बार संसार का ही चिंतन करता रहता है और बुद्धि से संसार में ही अच्छे बुरे का निश्चय करता रहता है, उस मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाए तथा बुद्धि के द्वारा दृढ़ता से निश्चय करे कि मैं केवल भगवान का ही हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं तथा मेरे लिए सर्वोपरि परम श्रेष्ठ एवं परम प्रामणीय भगवान ही हैं। ऐसा दृढ़ निश्चय करने से संसार का चिंतन और महत्व समाप्त हो जाएगा और एक भगवान के साथ ही संबंध रह जाएगा। यही मन बुद्धि का भगवान में लगाना है। मन बुद्धि लगाने में भी बुद्धि का लगाना मुख्य है। किसी विषय में पहले बुद्धि का ही निश्चय होता है और फिर बुद्धि के उस निश्चय को मन स्वीकार कर लेता है। साधन करने में भी उद्देश्य बनाने में साधन करने में भी पहले उद्देश्य बनाने में बुद्धि की प्रधानता होती है, फिर मन की प्रधानता होती है। जिन पुरुषों का लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है उनके मन बुद्धि भी जिस विषय में लगाना चाहेंगे उस विषय में लग जाते हैं। उस विषय में मन बुद्धि लग जाने पर उन्हें सिद्धियां तो प्राप्त हो सकती हैं पर भगवत प्राप्ति का उद्देश्य न होने से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः साधक को चाहिए कि बुद्धि से यह दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझे भगवत प्राप्ति ही करनी है। इस विषय में इस निश्चय में बड़ी शक्ति है। ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि होने में सबसे बड़ी बाधा है भोग और संग्रह का सुख लेना। सुख की आशा से ही मनुष्य की वृत्तियाँ धन मान बढ़ाई आदि पाने का उद्देश्य मानती हैं, इसलिए उसकी बुद्धि बहुत भेदों वाली तथा अनंत हो जाती है। परंतु अगर भगवत प्राप्ति का ही एक निश्चय हो तो इस निश्चय में इतनी पवित्रता और शक्ति है कि दुराचारी से दुराचारी पुरुष को भी भगवान साधु मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस निश्चय मात्र के प्रभाव से वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति प्राप्त कर लेता है। मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे हैं, ऐसा निश्चय साधक की दृष्टि में बुद्धि में हुआ प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। बुद्धि में ऐसा निश्चय दिखने पर भी साधक को इस बात का पता नहीं होता कि वह स्वयं पहले से ही भगवान में स्थित है। वह चाहे इस बात को न भी जाने पर वास्तविकता यही है। स्वयं भगवान में स्थित होने की पहचान यही है कि इस संबंध की कभी विस्मृति नहीं होती। अगर यह केवल बुद्धि की ही बात हो तो भूली भी जा सकती है, पर मैंपन की बात तो साधक कभी नहीं भूलता। जैसे मैं विवाहित हूँ, यह
मैंपन का निश्चय है, बुद्धि का नहीं। इसलिए मनुष्य इस बात को कभी नहीं भूलता। अगर कोई यह निश्चय कर ले कि मैं अमुक गुरु का शिष्य हूँ, तो इस संबंध के लिए कोई अभ्यास न करने पर भी वह निश्चय करके उसके भीतर अटल रहता है। स्मृति में तो स्मृति रहती ही है, विस्मृति में भी संबंध की स्मृति का भाव नहीं होता, क्योंकि संबंध का निश्चय मैंपन में है। इस प्रकार संसार में माना हुआ संबंध भी जब स्मृति और विस्मृति दोनों अवस्थाओं में अटल रहता है, तब भगवान के साथ जो सदा से ही नित्य संबंध है, उसकी विस्मृति कैसे हो सकती है। अतः मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे हैं, इस प्रकार मैंपन अर्थात स्वयं के भगवान में लग जाने से मन बुद्धि भी स्वतः भगवान में लग जाते हैं। मन बुद्धि में अंतःकरण चतुष्टय का अंतर्भाव है। मन के अंतर्गत चित्त का और बुद्धि के अंतर्गत अहंकार का अंतर्भाव है। मन बुद्धि भगवान में लगने से अहंकार का आधार स्वयं भगवान में लग जाएगा और परिणाम स्वरूप मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे हैं ऐसा भाव हो जाएगा। इस भाव में निर्विकल्प स्थिति होने से मैंपन भगवान में लीन हो जाएगा। शेष विशेष बात अगले भाग में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।